नमस्कार। कई दिनों के बाद आज की समीक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा कांग्रेस पार्टी के अंदर और उसके अंदर होने वाली कुछ नई लहर के बारे में। कुछ दिनों से हम लोग सब देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जो पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव का मामला था, तो सोनिया गांधी, मतलब जिसको कि हम लोग नेहरू गांधी परिवार के नाम से जानते हैं, उनके तरफ से जो उम्मीदवार थे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम तय हुआ था। लेकिन किन परिस्थितियों में अशोक गहलोत ने इससे इनकार कर दिया और फिर जो दूसरा नाम उभर के सामने आया वो एक बहुत बड़ा नाम है, जिनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। और वो 80 वर्षीय कांग्रेसी नेता न सिर्फ कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के कमिटेड लोगों में से एक हैं, जो उनके परिवार के हमदर्द हैं, बल्कि उन्होंने जो अपना राजनीतिक जीवन का, उनका जो 50 साल का जो पूरा उम्र राजनीतिक जीवन रहा है वो संघर्षपूर्ण रहा है। और सरकार में और बाकी जगहों पर भी कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा जो है वो परिचित चेहरा है। वो दक्षिण भारत से आते हैं। दूसरी एक और विशेषता उनमें यह है कि किसी भी तरह का कोई कंट्रोवर्सी, किसी भी तरह का टेंट उनके चरित्र से अभी तक लगा नहीं है। तो मिला जुला करके एक ऐसा चेहरा सामने रखा गया है जिसको कि मुझे लगता है कि ये सोनिया गांधी का ये तुरुप का पत्ता है। ये बहुत ही ताकतवर प्रहार है। और उन्होंने एक ऐसा, अब ये मल्लिकार्जुन की उम्मीदवारी को तय करके कांग्रेस पार्टी ने एक नई दिशा की ओर, एक नए हवा की ओर इंगित किया है, इशारा दिया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लग रहा है कांग्रेस के लिए। वो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा परिवारवाद के नाम से और एक तरह के मतलब जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड का के ऊपर इसका तरह से एलिगेशन लगते रहा है, वो आज एक ऐसे कैंडिडेट को बनाता है जो गांधी नेहरू परिवार से अलग कोई पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ये बात उतना ही तय है कि आप ये कांग्रेस का एक जो परिवारवाद है, नेहरूवाद जो है कांग्रेस के अंदर, नेहरू का जो परिवार है जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये उसका एक तरह से USP है। अगर आप कांग्रेस पार्टी में आकर के इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तब तो ये कुछ अलग बात है। और उस तरह से अगर आप देखा जाए, आज कौन सी पार्टी है जहां पर इस तरह की बातें नहीं है, मैं उसके बारे में आपको जाने का कोशिश करूंगा। लेकिन मैं ये सिर्फ आपको इस बार की ओर इशारा करने का कोशिश कर रहा हूं कि आज कांग्रेस के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत का संकेत मिल रहा है। और वो संकेत हम जो मल्लिकार्जुन खड़गे के उम्मीदवारी में देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एक दक्षिण भारत के नेता हैं और हिंदी भी बोलते हैं। उसके अलावा उनका बैकग्राउंड जो है दलित का बैकग्राउंड है। हालांकि वो हमेशा इस बात से बहुत नाराज होते हैं कि उनकी जो पहचान है वो दलित पहचान की से नहीं होनी चाहिए, उनके कास्ट से नहीं होनी चाहिए। ये बात सच भी है वो, लेकिन ये देश ऐसा है, हमारी परंपरा ऐसी रही है कि लोग स्वतः ही जुड़ जाते हैं, इसलिए कांग्रेस को इसका फायदा मिलना है। एक दूसरी बात जो हमने देखा कि जो राहुल गांधी, जिनके बारे में तरह तरह के जिनके ऊपर एलिगेशन लग रहा था, आज वो पदयात्रा कर रहे हैं और उन्होंने दक्षिण भारत से शुरू किया है और फिर जाकर के उत्तर पूरे भारत का उन्होंने पदयात्रा करने का प्रण लिया है। और जब सोनिया गांधी जब उनके साथ कल जुड़ी हैं जाकर के मध्य प्रदेश में पांड्या में, तो एक नई लहर दिखाई पड़ने लगी है। राहुल गांधी का ये पदयात्रा भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज लेकर के आया है लोगों के सामने। जो व्यक्ति संसद में बोल रहा था आज सड़क पर दिखाई पड़ रहा है। ये देश में परंपरा रही है पदयात्रा की, शंकराचार्य से लेकर के महात्मा गांधी और चंद्रशेखर, ये सब हम लोग देख चुके हैं। होता क्या है कि पदयात्रा में जो नेता है लोगों से मिलता है, लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको याद होगा जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कि शव यात्रा हुआ हो निकला था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी गाड़ी में जाना तय नहीं किया, वो पैदल चल रहे थे। वो भीषण गर्मी में
और अपने निवास जहां से वो शव यात्रा की शुरुआत होती है से लेकर के जहां पर जो जो उनका क्रिमेशन किया गया था वहां तक पूरी लंबी यात्रा वो अकेले कर रहे थे, चारों तरफ छटपटाहट हो रही थी, लेकिन उसका मैसेज सबके सामने था। तो ये पदयात्रा और सोनिया गांधी का मतलब जो तय करना उम्मीदवारी, वो कांग्रेस परिवार में नेहरू गांधी परिवार से अलग किसी को उम्मीदवार बनाना और एक ईमानदार नेता का ईमानदार बनाना, ये दो दो ऐसी खबर है जो कांग्रेस के लिए अच्छी कहा जा सकती है, कहा जा सकता है और डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है। जो नेता है उनको लोगों से जुड़ना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम अगली बार जब मिलेंगे तो किसी और नई मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करेंगे। धन्यवाद।